राधे श्री कृष्णा शुभ प्रभात। तो आप सभी लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें, ये माता रानी से दुआ करती हूँ। और यहाँ हो गई है सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी, बनाने लगे खाना। और आज खाने में बना रहे हैं लौकी का रायता, चावल और रोटी। और यहाँ पर लौकी बकली थी वो मैंने छील ली थी, तो बकली आलू की सब्जी वो भी बना लेंगे, साथ में रायता हो जाएगा। रायता लौकी मैंने उबाल ली थी पहले ही, तो मैंने वो मिक्सी में पीस दी थी, लाइट थी तो हमने कहा चलो मिक्सी में पीस लेते हैं, वरना सिलबट्टे पर पीसते नहीं होती है, तो सिलबट्टे पर ही पीसनी पड़ती है। तो वो चावल भी बना दिए थे गैस पर और रायता भी बन गया, इधर हमारी सब्ज़ी बन जाएगी, साथ में सेंक देंगे रोटियाँ, कुछ भी झटपट से बन जाएगा खाना हमारा। फिर बाद में देखेंगे और बहुत सारे काम होते हैं देखेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर और काम भी होते हैं काफ़ी। गर्मियों में लौकी का रायता बहुत ही सही रहता है, क्योंकि ठंडक देता है शरीर के लिए, वो खाने में भी टेस्टी। यहाँ फटाफट हम सेंक लग रहे रोटी जल्दी से जल्दी, क्योंकि सभी लोग खेतों पे जाते हैं, तो खाना हमारा सुबह जल्दी ही बन जाता है। हम घर में रहे तो कोई किसी टाइम भी बना के खिला दो खा लो, अब खेतों में जाते हैं तो खाना जल्दी ही बनाना होता है, क्योंकि देर अवेर आते हैं। अब वही है बस, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं बस, जल्दी से काम जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं, इसीलिए सुबह की हम झाड़ू वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाते आप लोगों के लिए, झाड़ू चौक लगाना कुछ भी काम, क्योंकि अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता है। तो बस ज़्यादा ज़्यादा हमारे खाना बनाने से ही व्लॉग की शुरुआत होती है, तब तो रोशनी हो जाती है। हमारी रोटियाँ भी बन गई बातों बातों में आपसे करते करते, सारा खाना हमारा बन गया। और यहाँ हम सब्जी निकाल के रख देंगे, क्योंकि बर्तन खाली कर देते हैं, मच जाएंगे सारे इकट्ठे होकर। तो हम वैसे भी खाना बनाते हैं तो सारे बर्तन खाली कर लेते हैं खाना बनाने के बाद, और बर्तन में खाना निकाल के रख देते हैं, तो बर्तन सारे इकट्ठे कर लेते हैं, मच देते हैं, उसके बाद मच के रख जाते हैं। और यहाँ हम आलू डाल देंगे चूल्हे में भुनने के लिए, इनका बनाएंगे भरता आलू का, कोई चोखा कहता है कोई कुछ, लेकिन हम तो आलू का भरता हमारे यहाँ पर कहते हैं। आलू उबाल के छील कर लेते हैं, उबाल के भून लो, मतलब छील कर फिर उसमें नमक मिर्च मिला लो, घी डाल लो, जिसके पास घी होता नहीं होता तेल गर्म करके डालो तो बना के खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है साथ में। तो वही हमने बनाया था। और इधर लग रही है हमारे कम इस कमरे में पोछा, निकाला पोछा लगा दो, पोछा लगा रही थी हम उधर काम कर रहे थे, तब तक इन्होंने पोछा लगा दिया था, क्योंकि अभी घर पर ही हैं, छुट्टियाँ हैं, मतलब स्कूल नहीं अभी खुल रहे हैं, ऐसी पढ़ाई हो रही है, नहीं जा रही हैं तो अभी फिलहाल, तो ये भी काम हमारा हुआ जा रहा है। और जल्दी काम सभी लोग मिलकर करते हैं, एक लोग करने से कुछ भी नहीं होता, घर में इतने लोगों से सभी लोग करें साथ साथ तो जल्दी हो जाता है। और इधर हम जल्दी जल्दी काम निपटा के आ गए थे भैंसों की तरफ, हमारी भैंसें बनती हैं, भैंसों को पानी पिला दिया था, वो बाहर निकाल के बांध दी। और इधर पड़ोस में वो भी देखो कंडे बना रही थी अपने, हर किसी को अपने अपने काम की जल्दी है कि जितनी जल्दी काम कर लो, धूप ज़्यादा तेज होने से पहले ही सारे बाहर के काम सारे समेट दो। हमारा तो घर या बाहर सभी की, क्योंकि खुला ही ज़्यादा घर भी है तो अंदर भी बंद घर है, तो बाहर काम कर दो, अंदर बैठ गया कुछ भी करते रहो। यहाँ हम कंडे बना देंगे। और इधर हमारे पेड़ का पतझड़ हो गया, तो धूप बहुत ज़्यादा जानवरों भैंसों के लिए लगती है, इधर भी पड़ोस के अपने भैंसों को जानवरों को निकाल कर बाहर बांध रहे हैं पानी पिला पिला के, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं आजकल, कोई घर में कोई बाहर कोई खेतों में कहीं कोई कहीं, सभी को अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ बर्तन छोड़ के चले गए थे, मैंने कहा था बर्तन बाद धुलेंगे, पहले गोबर बना कंडे बना आते हैं, तो वही कंडे बनाने के बाद आ गई थी, उसके बाद में ही धुले मैंने बर्तन, बर्तन पड़े रहे तब तक।
बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे। दोस्तों नहा दे पूजा करके आ गए, काम चल रहा है, खाना खाने के लिए खाना पस लेंगे, बाहर आ गए रसोई चल रही थी, भूख पड़ रही है, खाना पस लेंगे और तेज धूप हो रही है, बज रहे हैं 11:30, कितने भी जल्दी करो फिर भी टाइम हो ही जाता है, हम खाना पस लेते हैं, उसके बाद चलते हैं खाने के लिए। आप खाने में आप बनाए हमारे लौकी का रायता और बकली आलू चावल रोटी ये सब बनाया है, और अपने लिए आलू थोड़े भुने थे, उसको भरता बना लेंगे, हमारे यहाँ पर तो भरता कहते थे वही हम कह रहे हैं, आलू का भरता बनाएंगे, वही खाएंगे और रायता चावल। देखिए दोस्तों हम चल रहे खाना खाने के लिए, आलू वही लग के तैयार, ये मूली का अचार, लौकी का रायता, आलू का भरता और चावल और रोटी, आज कमाल का तैयार का तो बहुत तेज भूपन लगी घर तोड़े खाना, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। मूली का अचार बनाया हमने, तो यहाँ रखा फूलगोभी का रखा, लेकिन हम खाना और दोस्तों देखिए यहाँ लगने लगे हमारे झाड़ू, शाम का टाइम है, 4 बज रहे थे तो झाड़ू निकलने लगे थे, यहाँ बंदर इतने ज़्यादा होते हैं कि कूड़ा कचरा कर ही देते हैं, फैला देते हैं, और हवा भी चलती है वैसे भी कूड़ा हो ही जाता है। और प्लीज़ दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के लिए, और कमेंट में बताएं हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी के लिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।